हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षक नियोजन माध्यमिक शिक्षकों की फाइनल लिस्ट जारी, जम्मू और गुजरात के शिक्षक भी चयनित। तो इसमें मतलब बहुत सारे स्टेट से फॉर्म आया है, जिसमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सब शामिल है। हालाँकि इसका डेट जो है तो बढ़ गया है, आज के न्यूज़पेपर में आया था, कल रात को अधिसूचना भी आया था जो इसका संशोधित आया है अधिसूचना। तो आइए देखते हैं, इसमें 76 सीट को आए थे 1000 आवेदन। और दूसरा है, खाली रह जाएंगी कई विषयों में सीट, मुजफ्फरपुर का न्यूज़पेपर है। मुजफ्फरपुर के हाई स्कूलों में श्रीनगर से लेकर गुजरात के कच्छ तक के शिक्षक पढ़ाएंगे। माध्यमिक शिक्षक नियोजन में सूबे के अलावा कई दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। गुरुवार को इनकी सूची NIC पर डाल दी गई। अब 22 व 23 को नगर निगम व 24 व 25 जुलाई को जिला परिषद के लिए इन्हें नियोजन पत्र दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक नियोजन में जिला परिषद में 76 और नगर निगम में 49 सीटों पर नियोजन हुआ है। नगर निगम में नियोजन की सारी प्रक्रिया जो है वह पूरी हो चुकी है, सिर्फ नियोजन पत्र बांटा जाना है। जबकि जिला परिषद में मेधा सूची का सार्वजनिकरण 4 जुलाई को किया जाना था, लेकिन उसे 9 जुलाई को जारी किया गया। हालाँकि एक दिन पहले ही उसे NIC पर अपडेट कर दिया गया। NIC पर सूची अपडेट करने की तारीख जो थी वो 10 जुलाई थी। और नंबर कम पर रिजेक्ट किया है आवेदन, कुछ का रिजेक्ट भी हुआ है जिनका नंबर कम था। नंबर कम होने पर कई आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा तय समय के बाद STET करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसकी सूची अलग से NIC पर डाली गई थी। संस्कृत और भूगोल में 1, समाजशास्त्र में 1, राजनीतिक विज्ञान में 1, जूलॉजी में 2, अकाउंटेंसी में 2 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। 76 सीट के लिए आए थे 1000 आवेदन। जिला परिषद में 76 सीटों के लिए 1000 आवेदन आए थे। सबसे ज़्यादा आवेदन फिजिकल और होम साइंस के लिए आए थे। इन आवेदनों में बिहार से कम और बाहर के राज्यों के आवेदन अधिक थे। जिला परिषद के अलावा नगर निगम में भी दूसरे राज्यों के आवेदन ज़्यादा आए थे। इनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्य भी शामिल थे। खाली रह जाएंगी कई विषयों की सीटें, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे भी है जिसमें सीटें जो है खाली रह जाएगी। माध्यमिक शिक्षक नियोजन के बाद भी कई विषयों की सीटें खाली रह जाएगी। हिंदी विषय में 7 सीटों पर नियोजन किया गया है, वही गणित में मात्र 1 सीट पर नियोजन हुआ है। भूगोल में 3 सीट पर चयन किया गया है। शिक्षकों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कई स्कूलों में गणित के शिक्षक नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी नियोजन नहीं हुआ है, इसलिए इस बार भी इस विषय की सीटें खाली रह जाएंगी। और किस विषय में कितने शिक्षक का हुआ है वो भी इसमें दिया गया है, इधर साइड में आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ।